बढ़ाना। पाठ सात हिंदी कक्षा छः। साथी हाथ बढ़ाना के प्रश्न उत्तर। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उन्हें पहले की और आगे की सारी वीडियो मिलती रहे। प्रश्न एक, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो इसका उत्तर क्या देंगे हम? इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। प्रश्न दो, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। तो उसने साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। यानी कि अगर जो हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हमारे लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। प्रश्न नंबर तीन, गीत में सीने और बाहों को फुलादी क्यों कहा गया है? उत्तर, सीने और बाहों को फुलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। कैसे हैं हमारे इरादे? मजबूत हैं। हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, यानी कि बहुत अधिक शक्ति है। हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हमारी बाहें फौलादी हैं। इसीलिए भी है कि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हम यानी के कोई भी काम कर सकते हैं यदि हिम्मत रखें तो। प्रश्न नंबर चार, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? उत्तर, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं क्योंकि ये सब हमें किसी ना किसी रूप में सहयोग करते हैं। तो कौन है जो हमारे आसपास लोग रहते हैं? वो हमारे सारे क्या है? साथी हैं। प्रश्न नंबर पांच, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो ये हमारे एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न आ जाते हैं और इनका उत्तर, पहले का उत्तर क्या होगा? अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात की ध्यान रख सकते हैं।
तो क्या कर सकते हैं हम, छोटे बड़े कामों में अपने माता पिता का हाथ बटाकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं। दूसरे का आंसर, पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं। जहां एक और पापा कार्यालय जाते हैं यानी के अपने ऑफिस जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, यानी के घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो उन्हें ध्यान रखने होते हैं, वही माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबको पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं। तीसरा, हाँ वे इन कामों से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो क्या है तीसरे का उत्तर? हाँ, कि वो इन कामों से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद।